नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए जो गूगल क्रोम की का हाइड फीचर है, एक्सटेंशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि वो क्या है। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम में पहले मैं तीन चार टैब ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैंने ये गूगल टैब ओपन किया, दूसरा मैंने याहू ओपन कर रहा हूँ, तीसरा मैं जीमेल कर लेता हूँ। देखिए 1, 2, 3, और चौथा मैं कर लेता हूँ कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया कर लेता हूँ। देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया कर लिया, और चलो एक और कर लेता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ यूट्यूब। देखिए तो अभी 1, 2, 3, 4, 5, हमारे पास टोटल 5 हो गई है। अब देखिए, अब जो इस फीचर के बारे में बताने जा रहा हूँ, उस फीचर क्या क्या काम करता है और कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम के राइट साइड में यहाँ पे एक ये ऑप्शन होगा जिसको बोलते हैं सेटिंग, बोलते हैं कस्टमाइज एंड कंट्रोल, गूगल क्रोम का ऑप्शन बोलते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद मोर टूल्स पे आएगा, करेंगे क्लिक। इसके बाद यहाँ पे आएगा एक्सटेंशन। जी हाँ, यहीं पे ही जाना है आपको। अभी जो आपके गूगल क्रोम पे एक्सटेंशन एडिड है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो हम एक नई एक्सटेंशन ऐड करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे गेट मोर एक्सटेंशन, और यहाँ पे लिखेंगे REVOLVERTABS, सॉरी। देखिए ये रिवॉल्वर टैब्स का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे आप ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे तो ये चेकिंग करेगा, और ये ऐड टू एक्सटेंशन, इट मीन्स ये एक्सटेंशन पे ऐड हो जाएगा। तो देखिए अभी अभी ये चेकिंग कर रहा है, 10 to 15 सेकंड लेता है मैक्सिमम इसको। अभी ये हो गया है, जैसे होगा यहाँ पे आइकन आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए एडिट आ गया। अब चलिए इसको बंद कर देते हैं। इसको भी अब यहाँ पे दिखा दिया कि हमारा जो गूगल क्रोम है उसमें दो एक्सटेंशन ऐड है। तो चलिए बंद करते हैं इसको भी। अब बताते हैं इसका काम क्या होता है। देखिए अभी ये जो रेड आ रहा है, इट्स मीन्स ये कभी काम नहीं करेगा, अभी इसका स्विच ऑफ है, मतलब आप कह सकते हैं ऑफ है। जब इस पे सिंगल लेफ्ट जो है सिंगल क्लिक करते हैं तो रेड हो गया, इट मीन्स ये काम करेगा। अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, और इस पे हमें कुछ सेटिंग करनी है। जैसे मैंने इस पे रेड क्लिक किया, ऑप्शन में गए, ऑप्शन में सबसे नीचे ये ऑप्शन आते हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे जो भी टैब हमारी ओपन है वो सारी टैब दिखा देगा। जैसे कि ये गूगल की है तो ये गूगल है, और ये जैसे कि ये यूट्यूब है, ये टाइम्स ऑफ इंडिया है। तो यहाँ पे देखो सेकंड वाइट फॉर 10 सेकंड रहता है, और यहाँ पे है 15 सेकंड। ये नंबर ऑफ द सेकंड शो टैब, लाइक देखो हम इसको 10 सेकंड करते हैं, ठीक है। अब 10 सेकंड मैंने इनको कर दिया, और ये ऑटो स्टार्ट है। इस मीन से कि जब भी आप ब्राउज इस पे अगर चेक कर देंगे, जब भी आपका गूगल क्रोम होगा तो ये ऑटो स्टार्ट हो जाएंगे। ये रीलोड पे क्लिक कर देंगे तो आप जब भी क्रोम चलेगा सारे पेज रीलोड होंगे। तो ये ऑप्शन है, ये भी करके बताते हैं अभी। तो अभी मैंने देखिए जैसे कि गूगल है, इस पे मैंने सब पे चेक किया, और मैंने सब पे 10 सेकंड कर दिया और सेव किया, सेव हो गया है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो रेड है इस पे सिंगल क्लिक करके ग्रीन कर दिया। अब देखिए 10 सेकंड में आपके सारे टैब चेंज होंगे। अभी 10 सेकंड होने दो, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10। देखा ऐसे ही 10 सेकंड के बाद दूसरी टैब होगा। अब देखिए याहू है, फिर जीमेल होगा। 10 सेकंड हो जाने के बाद ये आपका जीमेल होने जा रहा है। इसके बाद आपका 10 सेकंड होते ही ये टाइम दूसरी टैब है ये ओपन हो जाएगा। देखिए अभी 10 सेकंड होने जा रहे हैं, ये हो गया। फिर 10 सेकंड के बाद आपका यूट्यूब ओपन हो जाएगा। तो ये आप अपने सर्वर पे कहीं पे भी, जैसे कोई डिस्प्ले आपने स्क्रीन लगा रखा है कंपनी में या ऑफिस में, कहीं पे भी आपने, और आप चाहते हैं कि एक ही टैब में बहुत सारे कुछ ओपन हो जाए, जैसे कि कुछ सर्वर के लिंक्स, कि बार बार 10 सेकंड में ये सर्वर का लिंक दिखे मेरे को, क्या स्टेटस है 10 सेकंड के बाद। बहुत सारी स्क्रीन ना लगाने की बजाय गूगल क्रोम में आप सर्वर के लिंक्स ओपन कीजिए और ये ऑप्शन यूज कीजिए। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि ये बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए ये हो गया,
उसके बाद इसको मैं बंद करता हूँ, इस पर फिर राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन पर जाते हैं, और ये रीलोड का ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पे अब मेरे को करना है यूट्यूब को रीलोड, मीन्स जब भी यूट्यूब पे जाए ये पेज तो वो रीलोड हो। चलो मैंने रीलोड किया, सेव किया, और मैं यहाँ पे भी रीलोड किया और ये मैंने सेव कर दिया। अब मैंने इसको इनेबल करता हूँ लेफ्ट क्लिक करके। अब देखिए अब यूट्यूब पे जाते जाके देखते हैं कि रीलोड होता है कि नहीं होता, 10 सेकंड बाद पता चलेगा हमें। तो अभी तो याहू के पेज पे है, अभी 10 सेकंड हो गए, जीमेल पे आ गया। अब इसके बाद 10 सेकंड के बाद आपका इस पे आएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया के पेज पे आएगा। अब इसके बाद यूट्यूब पे आएगा 10 सेकंड के बाद, फिर यूट्यूब को रीलोड होना चाहिए हमारे हिसाब से। चलो देखते हैं अगर काम करता है कि नहीं करता। वाओ काम कर रहा है, ये देखिए रीलोड हो गया है। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज, आप जरूर, मेरे को लग रहा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हर बार एक नया वीडियो लेके आता हूँ आपको नई नई टेक्निक सिखाने के लिए, तो ये आप अपने कहीं पे भी ऑफिस में यूज कर सकते हैं ये। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।